वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय यूट्यूब चैनल विजडम पॉलिटेक्निक क्लासेस। दिस इज़ आवर सेकेंड लेक्चर ऑफ डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर। और इससे पहले हमने पहला लेक्चर में डिस्कस किया था कि बेसिक कंसेप्ट क्या होता है इस सब्जेक्ट का। हमने और डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनालिसिस एंड डिज़ाइन। मोस्टली आपके एग्जाम में या फिर मोस्टली आपके इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज़ बेसिक डिफरेंस बिटवीन एनालिसिस एंड डिज़ाइन। तो ये आपको पता होना चाहिए बेसिक डिफरेंस क्या होना चाहिए। इसी के बारे में हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी डीपली डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ एनालिसिस एंड व्हाट इज डिज़ाइन। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या कंक्रीट स्ट्रक्चर कितने तरह का होता है, पहले के ज़माने में किस तरह स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट होता था और अब के ज़माने में कैसे होता है, और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कैरेक्टरिस्टिक लोड के बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ ये देखेंगे कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होता है एक अच्छे कंक्रीट का, कि रिक्वायरमेंट्स ऑफ गुड कंक्रीट क्या क्या होता है, कंक्रीट का जो स्ट्रेंथ होता है किस पर डिपेंड करता है। इस सब टॉपिक पर हम डीपली डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि हमें IS कोड में कैसे व्यू करना है या फिर कैसे विजिबल करना है किसी भी चीज़ के बारे में अगर देखना है। तो सबसे पहले अगर आपको DCS पढ़ना है या फिर RCC पढ़ना है तो आपके पास एक IS कोड होना चाहिए जो कि इंडियन स्टैंडर्ड IS 456 2000। ये एक इंडियन स्टैंडर्ड कोड है और इस कोड में आपका हर एक प्रॉपर्टीज़ दिया हुआ है कि हम किस तरह का मटेरियल यूज़ करेंगे, क्या किस तरह का रेनफोर्समेंट यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्शन के दौरान RCC के दौरान। तो ये सब कोड आपके पास कंपलसरी है रहना। और ये जो कोड होता है आपके एग्ज़ाम में भी अलाउ है क्योंकि मोस्टली जितना भी न्यूमेरिकल है इसी कोड पर डिपेंड है, क्योंकि वैल्यू हमें इसी कोड से लेना है। अगर आप इस कोड को आप प्रेफर नहीं करते हैं तो आप कोई भी न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपको एग्ज़ाम में भी अलाउ है, तो ये काफ़ी बेनिफिट है आपके लिए कि जितने भी फॉर्मूला भी होता है ना इसमें आपका गिवन है, तो ये आपको एकदम मस्ट है कि आपके पास होना चाहिए इसका हार्ड कॉपी। इसके बिना आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप फिफ्थ सेमेस्टर में आप पढ़े थे डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर, उसमें क्या था IS 800 2007 था, उसके हेल्प से हम डाटा लेते थे उस IS कोड के हेल्प से और हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते थे। सेम चीज़ हमें अब RCC में क्या करना है, IS कोड चेंज हो गया कि IS 456 2000। ये कंपलसरी आपको अपने पास हार्ड कॉपी रखना, इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। साथ ही साथ काफ़ी बच्चे का होता है कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्ट न्यूमेरिकल पोर्शन पे जंप कर जाते हैं। तो DCS एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर आप बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, अगर आपके पास थ्योरी का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तो अगर आप चाहेंगे कि डायरेक्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आप एक या दो टाइप के न्यूमेरिकल को तो रट्टा मार सकते हैं, लेकिन आपके पास कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा और वही क्वेश्चन में अगर माइनर चेंज कर देगा तो आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट गलत हो जाएगा, पूरा का पूरा सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो अगर इस DCS सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कंसेप्ट के बिना आप एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते हैं। और आप जानते हैं DCS में मोस्टली न्यूमेरिकल पोर्शन पूछा जाता है, तो इसीलिए आपके पास कंसेप्ट क्लियर होना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए आज हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बेसिकली जो कंक्रीट वर्क होता है, जो कंक्रीटिंग होता है, कितने तरह का होता है, टाइप्स ऑफ कंक्रीट वर्क। तो मेनली कंक्रीट वर्क को कंक्रीटिंग जो होता है, जो कंक्रीटिंग स्ट्रक्चर कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है मेनली दो भाग में डिवाइड होता है कंक्रीट स्ट्रक्चर। कंक्रीट स्ट्रक्चर मेनली दो पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला पार्ट होता है हमारे पास, जो कि मोस्टली आप लोग जानते होंगे, पहला होता है हमारा PCC और दूसरा होता है RCC। PCC क्या होता है, PCC होता है आपका प्लेन सीमेंट कंक्रीट। और इस तरह के कंक्रीट वर्क को आप लोग देखे होंगे गांव में अक्सर, जो भी रोड बनता है वो PCC का बनता है। PCC होता क्या है एक्चुअली, व्हाट इज़ PCC, प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्या होता है। तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट एक मिक्सचर होता है, किसका मिक्सचर होता है, तो सीमेंट का, सैंड का, एग्रीगेट का एंड वाटर का मिक्सचर ऑफ, इसमें क्या होता है, सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट प्लस वाटर। तो इन चारों मटेरियल को कंबाइन करके जो हमें हार्डेंड मास मिलता है, इसको कंबाइन करने के बाद जो मटेरियल हमें हार्ड मटेरियल मिलता है वही कहलाता है हमारा PCC।
तो PCC बेसिकली आप लोग जानते होंगे कि इसमें हम किसी तरह का स्टील बार प्रोवाइड नहीं करते हैं। PCC क्या होता है, सिंपली क्या किसका मिक्सचर होता है, सीमेंट का, सैंड का, एग्रीगेट का प्लस वाटर का इन सुटेबल रेशियो, जिस अमाउंट में, जिस रिक्वायरमेंट से हमें ज़रूरत है उस अमाउंट में सुटेबल प्रोपोर्शन में सबका मिक्सचर हम तैयार करते हैं। मिक्सचर तैयार करने के बाद जो हमें हार्डेंड मास मिलता है डेट इज़ कॉल्ड PCC। एंड अगर फुल फॉर्म की बात करें तो प्लेन सीमेंट कंक्रीट। सिंपली अगर बात करें RCC का, तो RCC का फुल फॉर्म होता है हमारा रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। अब ये रेनफोर्स्ड क्या हो गया, RCC की अगर बात करें तो इसी में बस हम एक स्टील बार ऐड कर देंगे तो वही हो जाएगा हमारा RCC। RCC में क्या क्या होता है, मेनली सीमेंट होता है, सैंड होता है, एग्रीगेट होता है, प्लस वाटर होता है, प्लस उसमें ऐड करते हैं हम स्टील बार जो कि सरिया बोला जाता है नॉर्मली भाषा में, उसी का मिक्सचर जो हमें तैयार होता है वही होता है हमारा RCC। तो खैर RCC के बारे में तो हम डीपली डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये PCC क्या होता है, PCC का मेन फंक्शन क्या होता है। पहले के ज़माने में PCC का यूज़ होता था, लेकिन PCC एक लिमिट के बाद फेल होने लगा, मतलब हमें जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स बढ़ने लगा उसके कंपेयर में ये क्या हो गया, हमारे पास फेल होने लगा PCC। और ये फेल क्यों हुआ, और फेल होने के बाद हमारे पास RCC आया, फेल होने के बाद हमें RCC का कंसेप्ट आया, तो ये फेल किस कंडीशन में हुआ, क्यों हुआ, अब हम ये डिस्कस करेंगे। तो जो आप जानते हैं कि जो हार्डेंड मास तैयार होता है PCC में, ये एक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हायर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है, ये आसानी से हेवी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को अपने ऊपर बियर कर सकता है, लेकिन जैसे ही इस पे हम टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे ये आसानी से ब्रेक कर जाता है। जैसे हम फिगर के समझे तो क्या होता है, हमारे पास कंक्रीट स्ट्रक्चर हम तैयार किए विद द हेल्प ऑफ PCC, इसमें स्टील बार प्रोवाइड नहीं करे हैं, इसमें क्या है हमारे पास कंक्रीट स्ट्रक्चर है। अगर कंक्रीट स्ट्रक्चर पे, इस PCC पे अगर हम कंप्रेसिव लोड अप्लाई करते हैं, कंप्रेसिव लोड आप जानते हैं कि दोनों तरफ से पुश करना किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो ये क्या हो रहा है, हमारा कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है P। तो देखा गया कि हमारा कंक्रीट जो PCC से बन के तैयार हुआ वो क्या हुआ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ तो उसका बहुत ज़्यादा है, वो हेवी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को अपने ऊपर बियर कर सकता है, लेकिन जैसे इस पे अगर टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया गया तो टेंसाइल फोर्स, ये मिनिमम टेंसाइल फोर्स पे ये ब्रेक कर गया। टेंसाइल फोर्स क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को दोनों तरफ से खींचना, ये होता है हमारा टेंसाइल फोर्स। तो ये जो PCC होता है ये तो कंप्रेसिव नेचर में तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, कंप्रेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा रेसिस्ट कर रहा है, लेकिन जैसे ही इस पर टेंसाइल फोर्स हम अप्लाई किए ये आसानी से ब्रेक हो जा रहा है। तो आगे चल के कंसेप्ट आया कि ये हमारा सक्सेस नहीं हुआ बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में, ये हमारा हेवी कंस्ट्रक्शन में ये हमारा सक्सेस नहीं हुआ, क्योंकि आप जानते हैं कि स्ट्रक्चर पे कंप्रेसिव स्ट्रेस भी आता है और साथ ही साथ टेंसाइल फोर्स भी आता है, दोनों फोर्स एक साथ एक्ट करता है, तो जो हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए दोनों फोर्स को आसानी से रेसिस्ट करना चाहिए। और PCC की अगर हम बात करें तो PCC सिर्फ हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में वेरी गुड था, बहुत अच्छा रेसिस्ट कर रहा था कंप्रेसिव फोर्स को, लेकिन जैसे ही उस पर टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया गया ये आसानी से ब्रेक कर गया, तब जाके इसका कंसेप्ट हमें हटाया गया और इसका एक अलग कंसेप्ट आया कि क्यों नहीं हम कंक्रीट तो हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेस कंप्रेसिव फोर्स को तो आसानी से झेल ले रहा है, क्यों नहीं हम उसमें कुछ ऐसा प्रोवाइड कर दे, कुछ ऐसा मटेरियल प्रोवाइड कर दे कि हमारा आसानी से टेंसाइल फोर्स को भी रेसिस्ट कर सके। तब जाके एक कंसेप्ट बन के आया जो कि हमारे सामने है आज के टाइम में मॉडर्न स्ट्रक्चर में, RCC रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। और ये रेनफोर्स्ड जो होता है इसी को बोला जाता है, रेनफोर्स्ड को ही बोला जाता है स्टील बार। और ये रेनफोर्स्ड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग, मतलब मजबूती प्रोवाइड करना। कंक्रीट क्या कर रहा है, कंक्रीट अपने ऊपर कंप्रेसिव फोर्स को रेसिस्ट कर रहा है, ये स्टील बार क्या कर रहा है अपने ऊपर टेंसाइल फोर्स रेसिस्ट कर रहा है, तो ये बैलेंस हो जा रहा है। तो खैर इसको RCC को तो हम डीपली डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, अभी हम PCC की बात कर रहे थे कि PCC होता क्या है। तो PCC आपको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि PCC का कंसेप्ट क्या आया। तो सबसे पहले हम PCC में, आपको पता है कि हम कंक्रीटिंग करते हैं विदाउट स्टील बार, जो भी हमें हार्डेड मास मिलकर तैयार होता है वही होता है हमारे पास PCC।
तो कंक्रीटिंग करने के लिए, अभी हम आरसीसी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिंपली पीसीसी की बात कर रहे हैं, सिंपली हम कंक्रीटिंग की बात कर रहे हैं। तो अगर हमें कंक्रीटिंग करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए, कंक्रीटिंग करने का तरीका क्या होना चाहिए, प्रॉपर वे ऑफ कंक्रीटिंग क्या होता है, क्या क्या हम स्टेप फॉलो करते हैं कंक्रीटिंग के टाइम में, उसको हम अब डीपली डिस्कस करेंगे। तो चलिए, तो अगर हम बात करें प्रॉपर वे ऑफ कंक्रीटिंग, अगर हम बात करें प्रॉपर वे ऑफ कंक्रीटिंग, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये काफ़ी बेसिक कंसेप्ट भी है जो आप लोग जानते भी हैं। प्रॉपर वे ऑफ कंक्रीटिंग, कंक्रीटिंग करने का प्रॉपर वे क्या होता है, प्रॉपर तरीका क्या होता है कंक्रीटिंग करने का। तो सबसे पहले आप जानते हैं कंक्रीटिंग में हम क्या क्या स्टेप फॉलो करते हैं। तो कंक्रीटिंग में आपको पता है कि सबसे पहले हम मटेरियल्स को स्टोर करते हैं, जो भी हमें कंस्ट्रक्शन करना होता है किसी भी बिल्डिंग का, किसी भी स्ट्रक्चर का, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मटेरियल को स्टोर करते हैं, मटेरियल्स को हम खरीद के लाते हैं और अपने साइट पे स्टोर करते हैं। जैसे सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, सबको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। स्टोर करने के बाद हम क्या करते हैं, उस मटेरियल को बैचिंग करते हैं। और बैचिंग आपको काफ़ी अच्छे से पता होगा, आप सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होंगे कंक्रीट टेक्नोलॉजी यूनिट फोर्थ में कि व्हाट इज़ बैचिंग और टाइप्स ऑफ बैचिंग। तो बैचिंग नॉर्मली क्या होता है, वेट करते हैं मटेरियल्स को। बैचिंग करने के बाद हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं कंक्रीट को। मिक्स करने के बाद क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट के बाद हम प्लेसिंग करते हैं। प्लेसिंग करने के बाद हम उसको कॉम्पैक्ट करते हैं। कॉम्पैक्ट करने के बाद हम उसके बाद क्या करते हैं, फिनिशिंग करते हैं कंक्रीट को। उसके फिनिशिंग के बाद हम क्यूरिंग करते हैं। तो इसी को हम स्टेप वाइज फॉलो करेंगे कि हमें क्या क्या स्टेप फॉलो करना होता है इन सब में। तो सबसे पहले हम बात करें, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टोरेज करते हैं मटेरियल को। सबसे पहले हम स्टोरेज करते हैं मटेरियल्स को। देखिए, प्रॉपर वे ऑफ कंक्रीटिंग, अगर हम बात करें IS 456-2000, अगर आपको देखना है कि हम क्या क्या प्रॉपर वे होता है कंक्रीटिंग करने का, तो आप आसानी से जाके देख सकते हैं IS 456-2000 क्लाउज नंबर 10 में जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे सब कुछ डिटेल में दे रखा है कि हमें कैसे कंक्रीटिंग करना है, कैसे प्रॉपर वे में। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, आप लोग जाके देख सकते हैं, IS 456-2000 क्लाउज नंबर 10। अब IS 456-2000 क्लाउज नंबर 10 में जाएंगे तो आपको सब डिटेल मिल जाएगा प्रॉपर वे ऑफ कंक्रीटिंग। सबसे पहला होता है हमारा स्टोरेज ऑफ मटेरियल्स, दूसरा होता है हमारे पास बैचिंग ऑफ मटेरियल्स, कि मटेरियल्स को हम वेट करते हैं, बैचिंग ऑफ मटेरियल्स, मतलब मटेरियल जो जो आप मटेरियल यूज करेंगे, सीमेंट हो गया, सैंड हो गया, एग्रीगेट हो गया, उसको क्या करेंगे, अब मिक्स करने से पहले बैचिंग करेंगे, वेट करेंगे, वेट के अकॉर्डिंग या फिर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। आप लोग जानते हैं टाइप्स ऑफ बैचिंग के बारे में। तो अगर हमें बैचिंग करना है, बैचिंग ऑफ मटेरियल्स करना है, तो हमें क्लाउज नंबर 10.2 में जाना होगा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, आप लोग जाके डायरेक्ट विजिबल कर सकते हैं, क्लाउज नंबर 10.2, ठीक है। बैचिंग के बाद हम क्या करते हैं, मिक्स करते हैं कंक्रीट को। बैचिंग के बाद हम क्या करेंगे, मिक्सिंग तैयार करते हैं, मिक्स करते हैं, मिक्सिंग ऑफ मटेरियल्स। और मिक्सिंग ऑफ मटेरियल अगर आपको देखना है इसके बारे में, तो आप प्रेफर कर सकते हैं IS 456-2000 क्लाउज नंबर 10.3 को, क्लियर है। और मिक्सिंग करने के बाद हम अगला स्टेप क्या करते हैं, मिक्सिंग करने के बाद हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ मटेरियल। अगर आपको कैसे हमें ट्रांसपोर्ट करना है अकॉर्डिंग टू IS 456-2000, आपको क्लॉज नंबर आपको जाना होगा 13.1 में। अगर आप 13.1 क्लॉज नंबर में जाते हैं तो आपको सब मिल जाएगा कि हमें ट्रांसपोर्ट कैसे करना होता है। ट्रांसपोर्ट करने के बाद हम देखते हैं कि प्लेसिंग कैसे करते हैं, कि कंक्रीट को हम कैसे रखते हैं, प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट। आप जानते हैं कि जो कंक्रीट को हम प्लेस करते हैं वो उसका हाइट नॉट मोर देन 1 मीटर होना चाहिए। अगर 1 मीटर से ज़्यादा से अगर हम ड्रॉप करते हैं कंक्रीट मिक्स को, तो क्या होगा, देर इज अ ग्रेट ज़्यादा चांस होगा उसमें ब्लीडिंग का, ज़्यादा चांस होगा उसमें सेग्रीगेशन का। तो ये भी आपको प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट अगर आपको देखना है, तो आपको क्लॉज नंबर 13.2 में आप जाके उसको अच्छे से विजिबल कर सकती हैं। प्लेसिंग के बाद हम क्या करते हैं, अगला स्टेप
फाइव हो गया। सिक्स में हम क्या करेंगे, प्लेसिंग के बाद कॉम्पैक्शन, उसको हम क्या करते हैं, कॉम्पैक्ट करते हैं, कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट। कॉम्पैक्शन आप जानते हैं कि कॉम्पैक्शन क्यों करते हैं, कॉम्पैक्शन करते हैं कि हम जो जितना भी वॉइड से उसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर वो सब रिड्यूस हो जाए और वो जाके जितना भी एग्रीगेट है, जितना भी मटेरियल्स हो, एक दूसरे से जाके कंबाइंड हो जाए और एक प्रॉपर बॉन्ड बनाए और वो काफ़ी कॉम्पैक्ट और डेंस हो। तो ये कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट अगर आपको देखना है तो आप क्लॉज नंबर 13.3 में जाके देख सकते हैं, IS 456/2000 में। और सेवेंथ स्टेप में क्या करते हैं, फिनिशिंग करते हैं कि फिनिशिंग आप करते हैं, फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट। और अगर आपको देखना है फिनिशिंग ऑफ कंक्रीट में IS 456/2000 में, तो आप क्लॉज नंबर 13.4 में आप जाके आसानी से विजिबल कर सकते हैं। और लास्ट आ गया हमारे पास क्यूरिंग, लास्ट में हम क्या करते हैं, क्यूरिंग करते हैं, और ये क्लॉज नंबर 13.5 में है। अब ये क्या है, हमारा एक प्रॉपर वे हो गया स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। अगर क्यूरिंग के बारे में आपको देखना है तो क्लॉज नंबर 13.5 में आप जाके आसानी से विजिबल कर सकते हैं कि हमारे पास क्यूरिंग का क्या क्या प्रोसेस होता है, कितने दिन तक हम क्यूरिंग करते हैं और क्यूरिंग का बेटर तरीका क्या होता है। तो ये सब आ गया हमारे पास प्रॉपर वे ऑफ कंक्रीटिंग अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 क्लॉज नंबर 10। और ये आपको सब कुछ मिल जाएगा इस कंडीशन में कि आपको क्या क्या किसके अकॉर्डिंग काम करना है, IS 456/2000 अकॉर्डिंग। अगर इसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं तो हमें काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ मिलेगा स्ट्रक्चर को और काफ़ी लॉन्ग टाइम और ड्यूरेबल होगा। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा प्रॉपर वे ऑफ कंक्रीटिंग। अब हम बात कर लेते हैं कि बेसिकली जो स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है वो किस पर डिपेंड करता है। जो भी हमें स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इस्तेमाल कर, जो भी हमें स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट होता है, हार्ड मास जो तैयार होता है, बेसिकली वो किस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले आपका डिपेंड करता है कि आप किस तरह का क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स, क्या जो मटेरियल्स का क्वांटिटी आप यूज़ कर रहे हैं वो एक प्रॉपर तरीके में है कि नहीं है। ऐसा नहीं है कि सीमेंट का अमाउंट कम हो गया, सैंड का अमाउंट ज़्यादा हो गया, एग्रीगेट का अमाउंट कम हो गया, तो ये क्या हो गया, एक प्रॉपर वे नहीं हुआ। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप एक सुटेबल प्रोपोर्शन में होना चाहिए क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स यूज्ड इन कंक्रीट मिक्स। अगला स्टेप की बात करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स यूज्ड इन कंक्रीट मिक्स, कि हमारे पास क्या क्या किस तरह का क्वालिटी हम यूज़ कर रहे हैं कंक्रीट मिक्स को तैयार करने के लिए। आपके मार्केट में जब जाएंगे तो हर तरह का आपको मटेरियल मिल जाएगा, हर एक कॉस्ट का मिल जाएगा। तो सबसे बेनिफिट होता है कि आप एक प्रॉपर एक बेस्ट क्वालिटी मटेरियल यूज़ करेंगे अगर हमें एक अच्छे स्ट्रेंथ की ज़रूरत हो तब स्ट्रक्चर से। थर्ड होता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जिसको बोला जाता है क्वांटिटी ऑफ वाटर, कि वाटर का हम क्वांटिटी कितना यूज़ कर रहे हैं, और इसको बोला जाता है वाटर सीमेंट रेशियो। और आप पढ़े हैं थर्ड सेमेस्टर कंक्रीट टेक्नोलॉजी में यूनिट नंबर थर्ड में वाटर सीमेंट रेशियो, कि वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है। और अगर हम किसी भी कंक्रीट मिक्स में अगर वाटर का अमाउंट इंक्रीज करते हैं तो स्ट्रेंथ क्या होता है, डिक्रीज करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाटर सीमेंट रेशियो को बैलेंस करना, वाटर सीमेंट रेशियो को चूज करना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें तो बेसिकली यही तीन चार है कि जिस पे हमारा स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट डिपेंड करता है। तो चलिए, ये हो गया हमारा प्रॉपर वे ऑफ कंक्रीटिंग हो गया। और हमने इसके अगले टॉपिक में हमने देखा कि जो हमारा कंक्रीट स्ट्रक्चर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब हम बात कर लेते हैं, काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आपने पहले भी पढ़ चुका है इसके बारे में कि ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट क्या होता है। तो ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट थोड़ा देख लेते हैं कि बेसिकली ग्रेड ऑफ कंक्रीट अगर हमें देखना है अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 तो हमें क्या प्रेफर करना पड़ेगा, पेज नंबर क्लॉज नंबर कितना जाना पड़ेगा, वो सब हम आपको बताते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्लॉज नंबर, क्योंकि IS 456/2000 वो काफ़ी बुक की तरह होता है, काफ़ी मोटा होता है, तो उसको आप फाइंड करने में काफ़ी परेशानी होता है टॉपिक को। तो ये क्लॉज नंबर ही मदद करता है आपको उस टॉपिक को फाइंड करने में इजीली। तो चलिए अगला टॉपिक देते हैं हम, ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता क्या है बेसिकली। ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट बेसिकली क्या होता है, तो आप लोग जानते होंगे कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में। तो अगर आपको IS 456 में देखना है ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में, तो आप जाके देख सकते हैं IS 456/2000 क्लॉज नंबर 6.1 टेबल नंबर 1 में, क्लॉज नंबर 6.1 सब यहाँ पे लिख देते हैं, अगर आप कॉपी में नोट कर लेते हैं तो काफ़ी फायदा होगा आपको फाइंड करने में। क्लॉज नंबर 6.1 टेबल नंबर 1,
अगर आप IS 456 2000 क्लाउज नंबर 6.1 टेबल नंबर 1 में जाते हैं तो आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में सब देखने को मिलेगा। तो अकॉर्डिंग टू IS 456 ग्रेड कंक्रीट के ग्रेड को बांटा गया है M10 से लेकर M80 तक। M10 से लेकर M80 तक बेसिकली बांटा गया है ग्रेड ऑफ कंक्रीट को। और ये M क्या होता है, और आप लोग जानते हैं कि बेसिकली ये M और कुछ नहीं होता है, M होता है मिक्स। M क्या होता है, नेम क्या होता है, ये मिक्स होता है। और ये जो नंबर क्या डोनेट करता है, क्या दर्शाता है, ये जो नंबर होता है 10, 15, 20, 25, 80 तक, ये क्या होता है? तो ये जो नंबर जो होता है हमारे पास, ये होता है हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग। अब जानते होंगे कि ये M क्या होता है, M क्या होता है हमारा नंबर होता है, और ये 10 क्या होता है, जो 10, 15, 20, 25, 30, 35 ये सब क्या होता है? तो ये होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 28 डेज ऑफ क्यूरिंग। तो यही होता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो चलिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आप लोग सॉरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट के बारे में आप लोग पता समझ गए कि ग्रेड क्या होता है। और बेसिकली जो ग्रेड होता है M10 से लेकर M80 तक होता है अकॉर्डिंग टू IS 456 2000। और इसको भी तीन पार्ट में बांटा गया है, इस ग्रेड ऑफ कंक्रीट को भी तीन पार्ट में बांटा गया है। और बात करें अगर क्या क्या तीन पार्ट है, तो सबसे पहला पार्ट होता है हमारा ऑर्डिनरी, पहला होता है हमारा ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट। सबसे पहला क्या होता है हमारा ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट। दूसरा क्या होता है हमारा स्टैंडर्ड होता है। और थर्ड क्या होता है हमारे पास, हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट होता है। तो बेसिकली अगर बात करें तो ऑर्डिनरी कंक्रीट में क्या क्या होता है, तो ऑर्डिनरी कंक्रीट में क्या होता है, M10 से लेकर M20 तक होता है। और अगर हम बात करें स्टैंडर्ड कंक्रीट में क्या होता है, तो स्टैंडर्ड कंक्रीट में होता है M25 से लेकर M55 तक। और अगर हम बात करें हाई स्ट्रेंथ में क्या होता है, तो हाई स्ट्रेंथ में होता है M60 से लेकर M80 तक। तो ये तीन पार्ट में आपको बांटा गया अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 कि जो हमारा ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है ये क्या होता है हमारा M10 से M20 तक होता है। स्टैंडर्ड कंक्रीट क्या होता है हमारा, स्टैंडर्ड कंक्रीट होता है हमारा M25 से लेकर M55 तक, और M60 से लेकर M80 तक होता है हाई स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो बेसिकली ये तीन पार्ट में बांटा गया है। अब हम देख लेते हैं कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होता है, बहुत बच्चे को ऑलरेडी पहले से पता होगा इसके बारे में और ये काफ़ी बेसिक कंसेप्ट है, तो इस पर भी अब डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अगर आपको कैरेक्टर अकॉर्डिंग टू IS 456 2000 अगर आपको देखना है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट के बारे में, तो आप प्रेफर कर सकते हैं क्लॉज नंबर कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। अगर आपको इसी को बोला जाता है FCK, इसी को बोला जाता है FCK, और ये काफ़ी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी यूज्ड इन द न्यूमेरिकल पोर्शन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन में हर एक न्यूमेरिकल में ये आपको गिवन होगा ही होगा कि ये FCK गिवन होगा, M20, M10 मतलब ग्रेड ऑफ कंक्रीट आपका गिवन होगा। तो ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होता है, अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट देखना है प्रॉपर वे में कि हम किस तरह यूज़ करते हैं, तो आपको जाना होगा IS 456 2000 में क्लॉज नंबर 6.1 टेबल नंबर 2 में। आपको यहाँ पे लिख देते हैं हम क्लॉज नंबर 6.1 टेबल नंबर 2 में। आप वहां पे जाके इसको देख सकते हैं कि ये बेसिकली होता है क्या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। बेसिकली आपको इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, डेफिनेशन पूछ दिया जाता है, तो कैसे आप डिफाइन कर सकते हैं, तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि द कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज डिफाइंड एज द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बिलो विच Not more than 5% of results are expected to fail.
इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई भी रिजल्ट को अगर हम कोई भी हम टेस्ट कर रहे हैं किसी क्यूब पे, एग्जांपल में हम देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे कि अगर हमें 100 क्यूब है हमारे पास, अगर आपके पास 100 क्यूब और ये क्यूब का साइज़ आपको पता होना चाहिए, क्यूब का साइज़ कितना होता है तो ये 150 mm होता है, मतलब लेंथ ब्रेड्थ हाइट 150 mm का होता है। और इसी क्यूब को हम टेस्ट करते हैं लैब में और यहीं से हमारा सब डाटा मिल के आया है। तो ये एग्जांपल में हम बताते हैं कि ये 100 के मतलब कि ये कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को हम डिफाइन जो किए हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू फेल। इसका मतलब क्या हुआ, तो एग्जांपल में लिए कि आपके पास 100 क्यूब है 150 mm का बना हुआ है और इसमें हम जो ग्रेड यूज किए हैं, इसमें जो ग्रेड हम यूज किए हैं M20 का यूज किए हैं, M20 के ग्रेड की मदद से एक हम 100 क्यूब्स बनाए हैं। नंबर ऑफ क्यूब कितना बनाए हैं, 100 बनाए। अब हम इसको हम टेस्ट करने जा रहे हैं। जब हम इसको टेस्ट करेंगे तो आप जानते हैं कि M20 का FCK कितना होगा, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना होगा, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितना होगा, तो आप जानते हैं कि 20 Nm/mm². सेम उसी तरह अगर M25 होगा तो इसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितना होगा, 25 Nm/mm² आफ्टर 28 days ऑफ क्यूरिंग। तो ये क्या होता है हमारा 30 का होता है तो 30 Nm/mm². तो बेसिकली यही चीज़ है। तो हम ये जो क्यूब कंस्ट्रक्ट जो किए 100 क्यूब, उसमें हम कितना ग्रेड यूज़ किए हैं, M20 का ग्रेड यूज़ किया और हमको पता है कि इसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए, 20 Nm/mm² इसका स्ट्रेंथ होना चाहिए। 100 क्यूब्स को जब हम टेस्ट किए तो 95 क्यूब्स क्या होना चाहिए, 95 क्यूब्स जो स्ट्रेस अपना वैल्यू होना चाहिए, स्ट्रेस वैल्यू मोर देन 20 Nm/mm². याद रखिएगा कि 95 से भी ज़्यादा अगर आपका स्ट्रेस वैल्यू 20 Nm/mm², मतलब इतने स्ट्रेस को अगर वो अपने आसानी से अपने ऊपर झेल लिया, 100 क्यूब में से अगर 95 से ज़्यादा स्ट्रेस अपने ऊपर आसानी से झेल लिया, कितने का, 20 Nm/mm² का, तब तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो हम क्यूब बनाए हैं वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट है। और सिर्फ मतलब 5 क्यूब ही जो होना चाहिए जो फेल होता है, फेल बिलो वैल्यू ऑफ 20 Nm/mm², ठीक है, 5% से कम हमारा फेल होना चाहिए, जो हमें चाहिए, हमें डिजायर्ड जो हमें प्रॉपर्टी चाहिए वो हमें 95% हमारा रिजल्ट होना चाहिए कि हाँ इतना हमारा स्ट्रेस आसानी से रेसिस्ट कर सके। यही होता है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का। तो बेसिकली जो होता है हमारे पास जो अकॉर्डिंग टू IS 456-2000 बोला गया है कि RCC वर्क के लिए मिनिमम जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट हम यूज़ करते हैं वो कितना होना चाहिए, M20 का होना चाहिए। और M20 के नीचे जितना ग्रेड होता है जैसे M10 हो गया, M15 हो गया, तो ये सब का यूज़ कहाँ करते हैं, तो ये सब का यूज़ करते हैं हम लीन कंक्रीट बेस में, नॉर्मल फाउंडेशन में इसका यूज़ करते हैं, इसके तो जो कि हमारे पास हेवी लोड उस पर उस स्ट्रक्चर पर नहीं आता है वहाँ पर हम यूज़ करते हैं M10 M15 का। बेसिकली अकॉर्डिंग टू IS कोड मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर RCC वर्क शुड बी M20। और अगर हम बात करें अबव M30 से ऊपर जितना भी हम ग्रेड यूज़ करेंगे, मिनिमम M30 और M30 से अबव हम जो यूज़ करते हैं ग्रेड उसका यूज़ करते हैं हम पोस्ट टेंशनिंग में यूज़ करते हैं, पोस्ट टेंशनिंग प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। एवब जो M30 हम यूज़ करेंगे उसका यूज़ कहाँ करेंगे, पोस्ट टेंशनिंग प्री स्ट्रेस कंक्रीट में। और मिनिमम जो हम ग्रेड यूज़ करते हैं प्री टेंशनिंग में वो होता है हमारा M40 और M40 से ऊपर भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो था बेसिकली कुछ कंसेप्ट हमारे पास कि क्या होता है हमारे पास ये सब। और रही बात प्री स्ट्रेस का और पोस्ट टेंशनिंग प्री स्ट्रेस का, ये हम डीपली डिस्कस करेंगे, ये आपके सिलेबस में टॉपिक है जिसको हम डीपली डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो ये तो था एक शॉर्ट टर्म हमारे पास।
और अगर साथ ही साथ अगर इसके साथ क्या हो गया हमारे पास, बेसिकली हर एक मटेरियल का हमने डिस्कस कर लिया कि क्या क्या मटेरियल कहाँ पे यूज़ करना है। अगर बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हमारा बाकी रह गया कि हम वाटर का कितना क्वांटिटी यूज़ करेंगे कंक्रीट मिक्स में, वाटर किस टाइप का वाटर होना चाहिए, जो वाटर होना चाहिए उसका पीएच लेवल कितना होना चाहिए, तो अगर आपको वाटर जो हम यूज़ करते हैं वाटर कैसा होना चाहिए, हमारा पोर्टेबल वाटर होना चाहिए जिसको हम पीते हैं, फ्रेश वाटर होना चाहिए, जो हम कंक्रीट मिक्स में वाटर यूज़ करेंगे वो बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए। हम कोई वेस्ट वाटर हम यूज़ नहीं कर सकते हैं कंक्रीट मिक्स में, क्योंकि वेस्ट वाटर में आपको पता है कि बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत सारे वॉल्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे बहुत सारे मटेरियल प्रेजेंट होते हैं जो वेस्ट वाटर में, जो कि सीमेंट के साथ रिएक्ट करके वो हमारा स्ट्रेंथ बिल्कुल ज़ीरो कर देगा। तो याद रखिएगा वाटर जो हम यूज़ करते हैं वो बिल्कुल पीने के लायक होना चाहिए और मिनिमम जो पीएच होना चाहिए, पीएच स्केल वो 6 होना चाहिए। तो अगर आपको वाटर के बारे में देखना है, वाटर के बारे में तो आप वाटर के बारे में अगर आपको देखना है तो आप जाके क्लाउज नंबर 5.4 में देख सकते हैं, IS 456-2000 क्लाउज नंबर 5.4 में आप जाके आसानी से देख सकते हैं इस वाटर के बारे में, कि वाटर के बारे में अगर आपको देखना हो तो क्लाउज नंबर 5.4 में। अगर आपको सीमेंट के बारे में देखना है, सीमेंट के बारे में देखना है सीमेंट कितने तरह का सीमेंट होता है, क्या कौन सीमेंट हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, किस कंस्ट्रक्शन में हम यूज़ करते हैं सीमेंट, अगर इसके बारे में देखना है तो आपको क्लाउज नंबर 5.1 में जाके देखना होगा। IS 456-2000 क्लाउज नंबर 1 में आप जाके इसको आसानी से विजिबल कर सकते हैं। अगर हम बात करें एग्रीगेट के बारे में, और एग्रीगेट भी हम लोग अभी देखे हैं कि एग्रीगेट क्या होता है, हमारे जो गिट्टी यूज़ करते हैं कंक्रीटिंग वर्क में वही होता है हमारा एग्रीगेट। अगर एग्रीगेट के बारे में अगर आपको डिटेल में पता करना है तो आप IS 456-2000 प्रेफर कर सकते हैं क्लाउज नंबर 5.3, क्लाउज नंबर 5.3। तो यही बेसिक कंसेप्ट है हमारे पास, जो कि IAS कोड में, याद रखिएगा IAS कोड के बिना आप कुछ नहीं कर सकते, और IAS कोड एग्जाम में अलाउ है, और IAS कोड काफ़ी हेल्प करेगा आपको, क्योंकि मोस्टली फार्मूला आपका IAS कोड में दिया है, मोस्टली थ्योरी पार्ट जो होता है आपको IAS कोड में मिल जाएगा, ये सब पार्ट आपको IAS कोड में डिटेल में देखने को मिल जाएगा। इसलिए IAS कोड बहुत ही कंपलसरी आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर IAS कोड नहीं है तो आप ना ही न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं और ना ही आप ये सब डाटा को आप देख सकते हैं। तो बेसिकली ये जो लेक्चर था हमारा PCC पे लेक्चर था, कि बेसिकली हमारा प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, मेनली कंक्रीट स्ट्रक्चर कितने तरह का होता है, और सबसे पहले हम देखे थे PCC के बारे में कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट क्या होता है, और प्लेन सीमेंट कंक्रीट में जो हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, कैसा होना चाहिए, हम क्या क्या प्रॉपर तरीका होता है हमारे पास कंक्रीटिंग करने का, ये सब हमने डिटेल में डिस्कस किए। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्या होता है, ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है, टाइप्स ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ये सब हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया था। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ RCC, मेनली RCC का कंसेप्ट कहाँ से आया और क्यों आया। तो ये RCC के बारे में बेसिकली डीपली हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तो याद रखिएगा आप बिल्कुल सीरियल वाइज जाइएगा, थ्योरी को कंसेप्ट को क्लियर करते जाइएगा, तभी जाके आपको न्यूमेरिकल सॉल्व हो पाएगा। और ये जितना क्लाउज नंबर जितना हम बताते जा रहे हैं, क्लाउज नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में होना चाहिए कि हम IAS कोड में कौन से क्लाउज नंबर और कौन से टेबल नंबर पर जाके हम देखेंगे कि हमें आसानी से सब कुछ विजिबल हो सके, आसानी से सब कुछ सब वैल्यू हमें मिल सके। तो याद रखिएगा क्लाउज नंबर, और अगले लेक्चर में हम बात करेंगे RCC के बारे में कि RCC के क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या होता है, धीरे धीरे हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। ये हमारा बेसिकली यूनिट फर्स्ट चल रहा है, उसके बाद हम देखेंगे कि डिज़ाइन कितने तरह का होता है, टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ डिज़ाइन देखेंगे, WSM, LSM, ये सब हम डीपली डिस्कस करेंगे वन बाई वन। तब तक मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत ही जल्दी। अगर वीडियो सही लगे तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक थैंक यू गाइस।